मायावती की चाल से संकट में कांग्रेस, कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है माया की चाल। अपने ही गढ़ में हो सकता है कांग्रेस का बुरा हाल। राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। राजनीति की शतरंज पर हर चाल अपने फायदे को देखते हुए हिसाब से चली जाती है। यहाँ हार किसी को गंवारा नहीं होती और जीत किसी भी कीमत में चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनावों में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। मायावती ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वह कांग्रेस से किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। इसके बाद देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सवाल उठने लगा है कि क्या प्रदेश में कांग्रेस के लिए छोड़ी गई दो सीटों पर भी मायावती अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कांग्रेस की बेवफाई से मायावती क्या अमेठी और रायबरेली से भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी? ये सवाल सबके जहन में है। वैसे मायावती की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मायावती ने कांग्रेस को तीखे तेवर दिखाए हैं, उससे ये साफ है कि यूपी में लोकसभा चुनाव काफी मजेदार होने वाला है। तो वहीं वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने भी साफ साफ कहा है कि हमें भी मायावती की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि SP और BSP लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ रही हैं। कांग्रेस को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन दोनों ही दलों ने तय किया था कि वो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे। यानी गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। अब जबकि मंगलवार को मायावती की यह टिप्पणी आई, तो सवाल अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के इर्द गिर्द घूमने लगा है। एक तरफ तो BJP की स्मृति ईरानी अमेठी में अपना खूंटा मजबूती से गाड़ चुकी है, और दूसरी तरफ अगर बसपा भी अमेठी से अपना उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।